प्यारे शागिर्दों और दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक है बेसिक पॉइंट अबाउट केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के बारे में लिखने जा रहा हूँ, तो इसके बारे में आज से टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। जो केमिस्ट्री मुकम्मल तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इसकी बेस समझेंगे, ताकि केमिस्ट्री के बेसिक समझने से क्या है कि उसके प्रॉब्लम है, फार्मूला है और न्यूमेरिकल वगैरह, डेरिवेशन वगैरह हम आसानी से कर सकेंगे। कहने का मकसद, पहले सिंधी में शुरू करने जा रहा हूँ, उसके बाद उर्दू में। जी तो यानी अज जो टॉपिक आ बेसिक पॉइंट्स केमिस्ट्री। जी मैथ्स जब बेसिक पॉइंट्स असा डा अज का हाँ अस यानी बड़ी यानी केमिस्ट्री जब बेसिक पॉइंट बड़ी फिजिक्स जब बड़ी मैथ्स जहाँ हलाइंदी। बेसिक पॉइंट्स जो मतलब यो है असा यानी मुकम्मल यानी को थ्योरी ना पढ़े रहा हूँ कें सब्जेक्ट बारे में, उनकी खास गाल बुनियाद समझी रहा हूँ, ताकि उनकी बुनियाद मजबूत आ तो अगत अवं के सब्जेक्ट छह का वी बारह तीन सही तरीके से समझ में इंदा वा। ये अड़ा पॉइंट केमिस्ट्री जहाँ नाए में भी कम अची सकन था, यारह बारह में भी अची सकन था। तेकर अस पे टॉपिक असो अज जो एटॉमिक मॉस के बारे में आकड़ यानी केमिस्ट्री डेफिनेशनूँ ब्रांचिज आन उन इंपॉर्टेंट्स अहमियत आ ये सब कुछ पढ़ी स्टूडेंट अगर निकरी वो पर उनकी बेस कमजोरी रहती वी। तेकर अस उनकी कमजोरी के पूरा करण ला ये टॉपिक शुरू क्या तो हाँ पे जी एटॉमिक मास है जैके अस एटमी मायो चूँ वेट वजन भी चई सकूँ था। तो असल में यो सम जोड़ आ प्रोटॉन ए न्यूट्रॉन बिन्हीं के जोड़ कंदासी तो असें एटॉमिक मास मिली वो। जी तो हाँ को भी एलिमेंट हो हाँ एलिमेंट सोडियम खयोसी सिंबल इनकी निशानी इलामत एन ए आ ही बारह जो हि यारह बिन्हीं के प्रोटॉन न्यूट्रॉन जाहिर कन पे तो प्रोटॉन इनमें यारह न्यूट्रॉन इनमें बारह बिन्हीं के जोड़ कंदासी तो इनको एटॉमिक मास मिली वो टेवी एम यू। हाँ एम यू जो मतलब एटॉमिक मास यूनिट पढ़बो इन पूरा लफ्ज तेकर यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन पा में जोड़ कंदासी तो असंके ऑटोमेटिकली सोडियम मिली वो यो है सोडियम जो एटॉमिक मास कढ़ जो तरीको अड़े न बया कई एलिमेंट आने एक सौ का मथे आन एलिमेंट्स चार्ट में वहाँ के हाँ केतर जहाँ वेही कढ़ा पर तरीके असंके यो समझण है तो यो कि निकर हाँ अड़े तरीके से हाँ असंके यानी एटॉमिक मास मॉलिकुलर मास कढ़ तरीका गोल्हणा पर असंके इन एटॉमिक मास याद करना पवंदा इन मदद से ही मॉलिकुलर मास फार्मूला मास अस कढ़े सी। हाँ जी सोडियम की निशानी एन ए आ तो मास इनो टेवी एम यू, हाइड्रोजन की एच वन एम यू, मैग्नीशियम एम जी चौवी एम यू, पोटाशियम के उनतालीह एम यू, कैल्शियम सी ए से ज़ाहिर कबो चालीह एम यू, बोरान बी से दह एम यू, कार्बन सी से बारह एम यू, नाइट्रोजन की निशानी एन आ चौदह एम यू, ऑक्सीजन ओ से ज़ाहिर कबो सोरह एम यू, फ्लोरीन एफ से ज़ाहिर कबी उणी एम यू, क्लोरीन सी एल से ज़ाहिर कबी पंटी डाई पंज एम यू, सल्फर एस से ज़ाहिर कबो बटी एम यू, फॉस्फोरस पी से ज़ाहिर कबी एकटी एम यू, एल्यूमिनियम ए एल आई निशानी सत्तावी एम यू, कॉपर सी यू टेट डाई पंज एम यू, ब्रोमीन आ बी आर से ज़ाहिर कबी असी एम यू। अड़े तरीके से अज जो टॉपिक में अस बयान एटॉमिक मास चबो आ जो मायो एटॉमिक मास की निकरे तो प्रोटॉन ए न्यूट्रॉन के जोड़ के ही एटॉमिक मायो या एटॉमिक वजन चई सकूँ था। तो इन्हीं हवाले से ही अज पूरा थो। अब उर्दू की तरफ आते हैं, इसी में एटॉमिक मास को उर्दू में कहते हैं एटमी कमियत या एटमी वजन। ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को दोनों की तदाद को हम जब जमा करेंगे तो हमें एटॉमिक मास या वेट मिल जाता है। अब इसमें देखें सोडियम एक सिंबल हमने उठाया जिसकी निशानी इलामत एन ए है, इसमें प्रोटॉन की तदाद 11 न्यूट्रॉन की 12 जमा करेंगे 23 एम यू। एम यू मन एटॉमिक मास यूनिट पूरा लफ्ज़ इसका ये है। अब मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, देखें सोडियम का 23 एम यू, हाइड्रोजन को एच से ज़ाहिर करेंगे 1 एम यू, मैग्नीशियम को एम जी से 24 एम यू, पोटाशियम को के से ज़ाहिर करेंगे 39 है, कैल्शियम का सी ए है 40 है, बोरान का बी है 10 एम यू,
कार्बन सी है 12 AMU, नाइट्रोजन N 14 AMU, ऑक्सीजन O 16 AMU, फ्लोरीन की निशानी 19 AMU इसका वजन है। क्लोरीन को Cl से ज़ाहिर करते हैं 35.5 है। सल्फर की निशानी इलामत S है 32 AMU, फास्फोरस का P है 31 AMU, एलुमिनियम का Al है 27 AMU, एलुमिनियम का कॉपर Cu 63.5 है, ब्रोनिमीन का Br है निशानी और इलामत इसकी Br और 80 AMU। ये पढ़ने का मकसद ये है कि आगे जाके हम फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास इनकी मदद से निकालेंगे, क्योंकि ये एटॉमिक मास हमें सपोर्ट करते हैं। कुछ इस तरह 100 से ज़्यादा एलिमेंट दुनिया में पाए गए हैं चार्ट में, उनके हर किसी के अपने अपने एटॉमिक मास हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ दिए हैं ताकि यानी कुछ फार्मूलों को मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालने में हमें सपोर्ट मिल सके। इस तरह आज का टॉपिक ये पूरा हुआ और कल बाकी देखेंगे। थैंक्स, ओके।